हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। द ऑडियल ऑफ प्री इज ओवर या इट इज स्टिल द ऑडियल इज गोइंग ऑन। सो इनिशियली रहता है एक वो, इट्स ऑफ एवरी, हर साल का ये है कुछ ना कुछ, है ना। मतलब द स्ट्रेंजेस्ट व्यू, यू लाफ नाउ और इफ यू, सम ऑफ यू माइट रिमेंबर माई वर्ड्स, जब आप तैयारी करने आए थे तो हम हमेशा ये कहते हैं कि यार जो नए बच्चे तैयारी करने आते हैं ना और जो पेपर देखते हैं, पेपर देख के कहते हैं सर ठीक ही यार, इतना मुश्किल तो नहीं है कोई, है ना। एंड दे आर मोटिवेटेड बाय सीइंग द प्रीलिम पेपर, जो ये पेपर भी हुआ है उसी को भी देख के खुश होंगे, तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बट जब देना पड़ता है फिर पता लगता है कि अरे ये क्या धोखा हो गया हमारे साथ। सो ऑल ऑफ यू माइट बी फीलिंग लिटिल बिट व्हाट यू से डिसिल्यूजन्ड बाय दिस ईयर्स प्रीलिम पेपर, है ना। गुड आफ्टरनून। तो इट इज़ क्वाइट नेचुरल, पेपर ही एक अलग ही टेस्ट का पेपर था, अलग ही तरह का पेपर था ये, एंड बिल्कुल अलग। पिछले आप देखें इतने सालों में हमारे को एक्सपीरियंस हो गया, ये बिल्कुल ही अलग तरह का पेपर था। और देयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसके आंसर अभी भी आप क्लियरली नहीं, कभी जान ही नहीं पाओगे जब तक उनका की नहीं आती। एंड देर इज सम सॉर्ट ऑफ, मतलब हलचल इज गोइंग ऑन विद इन UPSC ऑल्सो, बिकॉज लॉट ऑफ कंप्लेंट्स, लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैव गॉन टू UPSC थ्रू न्यूज चैनल्स ऑल्सो, थ्रू रेफरेंसेज ऑफ कैंडिडेट्स ऑल्सो, दैट नंबर ऑफ क्वेश्चन हैव बिन वेग। सो वन थिंग वट आई एम थिंकिंग इज दैट द कट ऑफ मे वेरी अलॉट, जो हम सोच के बैठे हैं कट ऑफ उससे भी कहीं ज़्यादा वेरी कर सकती है, अगर UPSC ऑप्ट द वे टू कैंसिल दोज क्वेश्चन विच वर हाईली डाउटफुल। मतलब 10 क्वेश्चन तो मेरे सीधे सीधे मेरे अपनी गिनतियों पे ही हैं जहाँ पे आंसर कुछ भी हो सकता है, एंड ऑलवेज देर विल बी डिबेट, है ना। और ये डिबेट ऐसी है वो कि जिसको मतलब ओनली अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैन सॉल्व, एंड दैट आंसर विल बी कंसिडर्ड राइट ओनली इन द लाइट ऑफ जजमेंट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल भी डिसाइड हो ही नहीं सकते, कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। एंड अगर कोई भी आंसर UPSC देती है वो गलत ही उसका काउंटर रहेगा हमेशा, है ना। चाहे वो राइट टू प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाला हो, मतलब एवरी डे द आंसर चेंजेस, एवरी डे द लॉजिक चेंजेस, है ना। तो और नहीं उसका आंसर है कोई, हम पॉलिटी के अंदर प्रीतम जी हैं, हम हैं तो हम बड़े अपने आप को वो मानते हैं कि यार आंसर तो निकाल ही लेंगे, हमारे को हो गए 10 दिन लड़ते एक क्वेश्चन पे, एंड एवरी डे न्यू लॉजिक कम्स। देर इज अ डिस्टिंक्ट डेफिशिएंसी इन फ्रेमिंग द क्वेश्चन, ये आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो लूज एंड है उस क्वेश्चन के अंदर। तो इसलिए मतलब देर इज नो पॉइंट थिंकिंग अबाउट द पेपर, मैं आपको इतना बता दूं। समबडी सेइंग कि 85-90 मेरिट जाएगी, कोई कह रहा 90 मेरिट जाएगी, कुछ एस्टिमेट्स 80 पे भी हैं। नॉर्मली हमारे को आइडिया हो जाता है कि यार इतनी मेरिट जाएगी, और वो प्लस माइनस 2-3 मार्क्स हमेशा रहते हैं, लास्ट 22 ईयर्स कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बट एज अ रिस्पॉन्सिबल टीचर मैं इस बार कोई मेरिट नहीं दे रहा। देखो पता क्या है, मेरिट इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं कोई मेरिट दे दूँ और बाद में पता लगे यार ये तो कुछ और ही हो गया, क्योंकि कुछ भी हो 10 क्वेश्चन अगर UPSC ने कैंसिल कर दिया, आप सोचो मेरिट कहाँ जाएगी, इट विल कम डाउन टू 75-80। जनरल कैटेगरी की मेरिट 75-80 तक पहुंच जाएगी अगर 10 क्वेश्चन कैंसिल कर दिया UPSC ने। पता नहीं क्या करेंगे, आई कांट से, बट देर इज अ प्रॉब्लम एंड यू कैनॉट अवॉइड दैट प्रॉब्लम। तो मेरे को बस एक ही चीज़ जो आपको मोटिवेट करेगी फॉर प्रिपेयरिंग मेंस, वन थिंग इज डेफिनेटली दैट ऑल ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी रिलीजियसली, आप लोगों ने बिल्कुल रिलीजियस तैयारी करी है, एंड यू हैव नो डाउट अबाउट दैट, आई डोंट हैव अबाउट एनी डाउट अबाउट दैट। एक तो ये हो गया कि क्या मैंने रिलीजियस तरीके से तैयारी करी है, क्या मैंने अपना पूरा 100% दिया है, दिस वन थिंग विल बिकम अ मोटिवेशनल फोर्स। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच विल बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज एट दिस मोमेंट, बिकॉज टाइम इज रनिंग अवे, दैट इज माई सेकेंड स्लाइड। इस स्लाइड को अपने दिमाग में, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, तो इस स्लाइड को अपने दिमाग में भिजा लो,
कि भाई ये सोच लो अगर हो गया तो क्या होगा। है तो ये ह्यूमरस बात, लेकिन आई टेल यू इट्स ट्रू। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव मेट मी इन द लास्ट वीक और 7 डेज 8 डेज। सबका यही एक मन में एक डाउट होता है कि सर पता नहीं होना नहीं होना नहीं, मेरे तो 80 बन रहे हैं, मेरे तो 85 बन रहे हैं, मेरे तो 84 बन रहे हैं। मैंने कहा तेरे कितने बन रहे तेरे को भी नहीं पता, सर ये की देख ली वो की देख ली। मैं तो वो की कोई ठीक है ही नहीं है, कोई की कंक्लूसिव है ही नहीं है, की तो एक ही ठीक होनी है जो साल बाद आएगी, दैट इज़ UPSC की। और ऑब्जर्वेशंस UPSC के पास ऑलरेडी पहुंच गई हैं, मेल्स पहुंच गई हैं कि ये इसका आंसर क्या होगा, तो वो उनकी कमेटी बैठ गई। वो तो दे आर वेरी ऑब्जेक्टिव पीपल, UPSC इज़ वेरी फेयर ऑर्गेनाइजेशन, दे डोंट हेजिटेट टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। वो कभी कवर अप नहीं करते, वो कहेंगे ठीक है ये 10 क्वेश्चन ऐसे थे, उन्होंने कैंसिल कर देने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैंसिल। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ, क्वेश्चन कैंसिल करेंगे, मेरिट कहाँ जाएगी, यू कैन वेरी वेल इमेजिन। तो एक ही चीज़ सोचनी है इस वक्त, एक ही चीज़ आपको मोटिवेशन देगी और एक ही चीज़ सोचनी है, दैट इज अगर हो गया तो क्या होगा। पता लगे सिर पकड़ के बैठे हैं, अरे ये एक महीना ख़राब कर दिया और मेंस आ गया जनवरी में, टाइम ऑलरेडी इट इज़ वेरी शॉर्ट। सो नाउ इट इज़ अ हाई टाइम, मैं हफ्ता 10 दिन देता हूँ हमेशा टू अब्जॉर्ब द शॉक्स, कि अपने शॉक शुक सारे अब्जॉर्ब कर लो, है ना, थोड़ा सा ट्रांसेंडल हो जाओ, स्पिरिचुअल हो जाओ कि यार क्या दुनिया में रखा है ना, ऐसे ही आए हैं ऐसे ही चले जाएंगे, तो प्री दिया है, बाकी भगवान की मर्जी, किसी को देखने की अब जरूरत नहीं है कि इसको, है ना, अभी तो हमें अपना कर्म करना है। सडनली जो कर्म थ्योरी है हिंदुइज्म के अंदर, वो एक चरितार्थ हो जाती है, अपने सामने चलने लगती है कि भैया कर्म करो फल की इच्छा ना करो। दैट इज़ द लाइफ स्टोरी ऑफ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। तभी मैं कहता हूँ ये लेक्चर जो मेरा है ये वो लोग ना देखे जिन्होंने प्री नहीं दिया, उनको समझ नहीं आएगा। तो अगर कोई 2023-24 देने वाला कृपया करके बाहर निकल जाए इस लेक्चर से, क्योंकि अभी आपकी उम्र नहीं है ये लेक्चर सुनने की। ये एक मतलब चिरतुर ट्रुथ है ये, जो एक रियलाइजेशन एक 2-3 साल बाद आती है ना। तो कृपया करके मेरी एक गुजारिश है कि निकल जाए आप यहाँ से, क्योंकि अभी आपकी उम्र नहीं है इतना सीरियस बात करने की। तो ठीक है, आई थिंक नाउ एवरीबडी हैज अंडरस्टूड एंड यू हैव टू थिंक ऑफ ओनली वन थिंग, दैट अगर मेरा प्री हो गया तो क्या होगा। तो तब याद आएगा कि यार ये टाइम बर्बाद कर दिया, और कुछ भी हो सकता है। 80 मेरिट चलेगी तो देखो कितने लोगों का हो गया, कितने लोगों का हो गया, आप अंदर से बुबल फूट रहे होंगे कि अरे मेरा तो हो गया। तो यू कांट से एनीथिंग। ठीक है, तो 2-3 तरह के लोग हैं जो एक सोच अभी सोच के बैठे हैं कि हो गया, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हो गया, वो भी गलतफहमी हो सकती है, तो वो भी ज़्यादा खुश ना हो, उनको भी कर्म ही करना है। कुछ सोच के बैठे होंगे मेरा तो होगा ही नहीं बिल्कुल। हाँ, अगर आपके देखो 50 बनते हैं 55 बनते हैं तो क्या फ़ायदा, है ना, आपके 55 ही बनते हैं 50 ही बनते हैं, तो देर इज़ नो पॉइंट थिंकिंग। इतनी भी कोई लो मैरिड नहीं जाने वाली कि वो आपको खुद भी पता होगा, क्योंकि अगर आपने 100% दिया अपना पहले, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 85 नंबर आए आपके, वो आपको मालूम होगा कि नहीं मेरा 100% नहीं गया, तो ठीक है, आप अपने आप को रिकनसाइल भी कर चुके होंगे कि ठीक है यार मैंने तो इतना काम भी नहीं किया। लेकिन जिस बच्चे ने पूरा काम किया है और वो येस और नो के चक्कर में घुस रहा है कि मेरे 70 ठीक हैं, मेरे 75 ठीक हैं, मेरे 80 ठीक हैं, 85 ठीक हैं, मतलब अच्छे अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने पूरी मेहनत करी है उनके भी मैंने 75 सुने हैं कि हाँ 75 ठीक ही हुए हैं, ये 70 पे बैठे हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी क्लियर कि आपको अगर आप किसी भी तरह के डाउट में हो तो इट इज़ बेटर टू सेटल दैट डाउट इन द फेवर ऑफ येस, कि मेरा होगा, क्योंकि दैट इज़ द राइट स्ट्रेटजी एट दिस मोमेंट। क्योंकि अभी मैं ये टाइम बर्बाद करने की सोच भी नहीं सकता। नाउ आई हैव टू प्रिपेयर द फॉर मेंस एग्जामिनेशन विद फुल स्विंग, क्योंकि जो मैं प्रिपरेशन करूंगा वो तो बेकार कभी भी नहीं जाएगी। हाँ, अगर मैंने नहीं करी प्रिपरेशन और मेरा हो गया प्री, तो मैं कभी अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा कि यार ये तो एक महीना वेस्ट हो गया तो मेंस गया। तो पूरे विगर से आप लग जाओ, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, इस बार नहीं अगली बार काम आएगी, डजंट मैटर। गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट, अगर आप देखें, नाउ व्हाट आर द वेरियस की डिसीजंस विच यू वो की डायलेमास विच यू फेस एट दिस मोमेंट, दैट आई हैव टू डिस्कस वन बाय वन। यही क्वेश्चंस आपके रहेंगे हमेशा, है ना, तो आप लिखते जाएं एक एक करके, तो और माइंड में क्लियर कर लें कि यार क्या डायलेमास मेरे हैं। बाकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, कोई भी जो जूम पे हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आप यूट्यूब पे हो तो यू कैन राइट डाउन ऑन द कॉमेंट चेन, आई एम एबल टू सी द कॉमेंट चेन, है ना।
हमारे भी 6 महीने 8 महीने में ट्रेनिंग हो गई। अब इधर उधर देखने की 3-3 आँखें, ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, जूम पे देख रहे हैं, तो बच्चे ही दिखते थे हमारे को। तो चलो, वक्त सबको सिखा देता है, डजंट मैटर। तो पहला डायलेमा, सबसे इंपॉर्टेंट डायलेमा, यस, सबसे बड़ा डायलेमा वो होता है कि कितना टाइम आप कंटेंट पे लगाओ। कि यार ये मेरे को टॉपिक कवर नहीं है मेरा, ये मेरा सेक्शन वीक है, इसका मैंने पढ़ाई नहीं करी, वर्सेस आंसर राइटिंग। ये है भाई डायलेमा, यस करो टाइप। अगर डायलेमा है ये, थोड़ा सा लाइव रखें यूट्यूब चैट को, सो दैट कि मेरे को भी लगे कि हाँ आपको आप इन्वॉल्व हो, है ना। बाकी जो जूम पे बैठे हैं वो भी चैट कर सकते हैं, वो भी इस पे दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं आप, है ना। तो ये डायलेमा होता है कि कंटेंट कितना टाइम लगाऊं और मेन आंसर राइटिंग क्या करूं। देखिए, इतना समझ लीजिए कि आपने अगर प्री दे दिया है, प्री क्लियर किया है, आपने 1 साल की तैयारी करी है, कंटेंट की समझ होनी पहले बहुत जरूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज कंटेंट फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। क्या पढ़ते हो आप? देखो, कन्वेंशनली मैंने क्या करना था, अगर सपोज मेरा प्री क्लियर हो गया या मेरा होना है प्री, या मैंने प्री की मेंस की तैयारी करनी है, तो कन्वेंशनली मैं क्या करना था, मैं वही अपने पॉलिटी के नोट्स उठाता और उसको स्कैन कर रिवाइज करने लग जाता कि ये भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ये ऐसे ऐसे है, ये पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है, ये है, इजंट इट, दैट वाज यूजुअल कंटेंट। मॉडर्न इंडिया लगा लो, ज्योग्राफी लगा लो, मैंने एक पेपर लास्ट ईयर का लिया है एंड मोटा मोटी पेपर वैसा ही आ रहा है। नेचर एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर लाइक दैट ओनली। अगर हम पिछले 4-5 साल देखें, तो दैट कैन गिव अस अनफ क्लू अबाउट कि व्हाट वी हैव टू स्टडी फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, मैं पूरा एक आगे भी लेक्चर एक दो करूंगा कि आई विल कीप यू एंगेज्ड, है ना, कि मेंस के जो प्रीवियस ईयर पेपर है हम उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना, मैं आपको क्या दे सकता हूँ इस मेंस में और क्या आपको हम हेल्प कर सकते हैं, आई विल टेल यू दैट इन द लेटर पार्ट। लेकिन बात ये कॉन्टेंट डिसाइड होना, ये देख के कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आने हैं, आपको क्या पढ़ना है इस वक्त, ये इस चीज़ पे निर्भर करेगा कि पेपर आपको पेपर की समझ है प्रीवियस ईयर पेपर की, या आप वही लग गए बिना देखे, या आपने बाइफ्रिकेशन देखी कि पिछले 5 साल के अंदर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन कि मॉडर्न इंडिया में बताओ कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 5 साल में एवरेज, कि हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी क्वेश्चन आर आस्क्ड इन मॉडर्न इंडिया इन एवरी ईयर? 2-3? तो कितना टाइम आप इस पर लगाओगे, इट विल डिराइव फ्रॉम कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर, या किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको कहोगे ठीक है 2 क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम करेंगे, लेकिन टाइम उतना ही लगाएंगे ना जितना उसकी वैल्यू है। अब मैं कल्चर पे देख लूँ, आपके कल्चर पे हमेशा 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन आए, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन आए, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट 4 आ गए, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन देखो चारों क्या थे, वो क्या उसकी कोई तैयारी कर सकता है सेंसिबल व्यक्ति, वो हम देखेंगे कि क्या उसके लिए क्या कंटेंट पढ़ते हैं। अगर आप कल्चर पे 1 महीना भी लगा देते तो क्या वो पढ़ते हैं जो पेपर में आया है? मैं मेरा क्वेश्चन ये रहेगा बस। देखो कहीं मिसगाइडेंस कहां हो जाती है कि 4 क्वेश्चन आए पेपर में तो कल्चर करना चाहिए, कल्चर करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि क्या हम ये देख रहे हैं कि 4 क्वेश्चन क्या आए, क्या वो 4 क्वेश्चन आप पढ़ते अगर कल्चर पे 1 महीना भी लगाते तो? आंसर विल बी बिग नो, क्योंकि इतने वाइल्ड क्वेश्चन है वो कि कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता। अब पाला डायनेस्टी के अंदर बुद्धिज्म क्या था, आर यू मतलब क्या चाह रहे हो आप बच्चे से? कल को जैनिज्म पूछ ले, फिर कल को भक्ति मूवमेंट पूछ ले कि बताओ जी साउथ में, आंध्र प्रदेश में भक्ति मूवमेंट क्या था, इक्विवेलेंट है। तो आई विल कम डाउन टू सी, अल्टीमेटली व्हेन वी ड्वेल विद दिस क्वेश्चन कि कंटेंट वर्सेस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितनी करनी है, तो आपको इतना समझ लेना बात, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि देयर हैज टू बी वेरी जुडिशियस बैलेंस हैज टू बी देयर, दिस बैलेंस विच स्लाइटली टिल्ट्स इन द फेवर ऑफ आंसर राइटिंग। मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि हम बिना आंसर राइटिंग के कुछ पालेंगे यूपीएससी के अंदर, तो भूल जाओ इस बात को,
बिकॉज अल्टीमेटली आपको ये सीखना है कि क्वेश्चन आ रहा है पेपर में और क्वेश्चन का मुझे आंसर, मैंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ आइडिया है, मुझे आंसर कैसे लिखना है इसका। अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू अ स्पेशल स्किल कि यू डोंट नो द आंसर, स्टिल यू हैव टू राइट द आंसर। मेरे को वो दिन याद आ जाते हैं, आज 22 साल हो गए तो दिन याद आ जाते हैं मुझे कि व्हेन वी वर इन सेक्टर 24 और मेरा एक सेशन बड़ा फेमस हुआ करता था। खैर उस वक्त इतना ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं आते थे जैसे आजकल आते हैं। मेरा एक सेशन हुआ करता था कि हाउ टू राइट व्हेन यू डोंट नो, कि आपको कब वो आंसर कैसे लिखना है कि जो आपको बिल्कुल नहीं पता, उसके बारे में क्लू भी नहीं पता। ऐसे मेरे कुछ पेट 4-5 टॉपिक होते थे, मैं एक पॉलिसी बनवाता होता था कि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी पे क्वेश्चन आ गया, क्रिटिकली एग्जामिन करो। आपको पता ही नहीं कि ऐसी कोई पॉलिसी भी एग्जिस्ट करती है, तो आंसर कैसे लिखना है। देन आई यूज टू मेक देम राइट बाय गिविंग अ मॉडल एंड आफ्टर दैट आई यूज टू हैंड ओवर देम द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी एंड द आंसर वॉज वेरी क्लोज। ऐसे मैंने प्रोग्राम पकड़ना है, उस पर आंसर लिखवाना है। मुझे याद आ गई पुरानी बातें, बट नाउ डेज दैट दोज लेक्चर्स आर मच मच मोर सिग्निफिकेंट कि आपको आता नहीं है लेकिन फिर भी लिख के आना। तो नाउ डेज वेन वी अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कॉन्टेंट वर्सेज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज समथिंग विच गोज बियॉन्ड कॉन्टेंट ऑल्सो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ योर स्किल, योर पेशेंस, योर अडेप्टेबिलिटी इन द एग्जामिनेशन, कि आप कितना अडेप्ट कर सकते हो और कितना अपने आप को कॉन्फिडेंस दे सकते हो कि यार कोई बात नहीं आता लेकिन फिर भी लिख के आना है, आप तो वॉर में बैठे हैं, जान तो बचानी है। वो स्किल आपने ली क्या, किया ठीक है मेरे को आता नहीं था फिर भी मैं लिख के आया, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था मेरे 3 आ गए, अरे 3 बहुत हैं, कहाँ छोड़ के आते थे, 4 आ गए और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। बात तो वही 3-4 क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आते उन्हीं की है ना, अदरवाइज तो गलतफहमी है कि मैं क्वेश्चन का आंसर लिख के आ गया नंबर आ जाएंगे। बच्चा कहता है जी मैं तो बहुत अच्छा जीएस का क्वेश्चन लिख के आया हूँ, पेपर लिख के आया, पेपर 1 तो ठोक के आ गया मैं, तब भी 250 में से नंबर कितने हैं, 80, मतलब कितना 30%, 85-90। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग इज अ क्रिटिकल पॉइंट, तो आपको एक बैलेंस रखना है और विच इज टिल्टिंग इन द फेवर ऑफ मेंस आंसर राइटिंग। मतलब अगर आपके पास 80 डेज का टाइम है, आप ये लगा के चलो कि अराउंड 300-400 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने ही करने हैं। मैं आपको क्वांटिफाई भी कर रहा हूँ, इसे ज़्यादा ही करने, कम नहीं करने, कि 300 क्वेश्चन लिख के देने हैं और लिख के भी देखने अच्छे क्वेश्चन। स्ट्रेट क्वेश्चन लिख के कोई फायदा नहीं है, जो आपके वैसे ही दिमाग में आंसर बन गया उसको लिखना क्या करना है, बच्चे थोड़ी हो। ऐसा क्वेश्चन लिख के देखना जिसका आंसर दिमाग में बन नहीं रहा, कि पेन पेपर लेके लिखना पड़ेगा तब बनेगा आंसर कुछ। वो आंसर चाहिए मुझे डेली का 3-4, कि जो पढ़ रहे हो उसके आंसर लिखने हमने, ठीक है ना। कोई टॉपिक हो, कोई सब्जेक्ट हो, आपके दिमाग में आता है, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9501114021, मुझे मारो सब्जेक्ट ये टॉपिक, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा ऑफ यूपीएससी लेवल, वहीं टाइप कर दूंगा व्हाट्सएप पे, लिखो ठीक है। नाउ सेकंड डायलेमा इज कितना टाइम ऑप्शनल पे लगाया जाए, कितना जनरल स्टडीज पे। अब कन्वेंशनल विजडम क्या कहती है कि भैया 1000 नंबर का जीएस है और 500 नंबर का ऑप्शनल है, तो यू शुड इन्वेस्ट मोर टाइम ऑन जनरल स्टडीज, ठीक है ना। नाउ सी आइडिया इज की, बट थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक और टेक्निकल डोमेन में लेके जा रहा हूँ, है ना, टेक्निकल डोमेन में लेके जा रहा हूँ। तरुण जी क्वेश्चन का मैंने बता दिया आपको, अच्छा आपने रिटेक्ट कर लिया, कोई बात नहीं, अरे टेंशन नहीं करनी, वो पूछे क्वेश्चन कहाँ से लें, तो चलो ठीक है, डजंट मैटर। अब आप एक बात देखो, व्हाट आई विल गिव यू कॉन्सेप्ट ऑफ विंडो। यहाँ पे विंडो का कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल, मतलब what is the normal marks range which in which the marks of people are varying। ab agar hum general studies le 1000 number ki aati hai to kya window hai, what is the average marks on a lower level, jo bacche select bhi ho rahe hain chalo ya borderline pe hain, top bacche laga ke chalo aap, no 400 is not 100 average, char paper mein nahi aa rahe, kitna ja raha hai aap laga ke chalo 360 टू 420। इसके ऊपर अगर 420 के ऊपर किसी के जा रहे हैं वो एक्सेप्शनल है, 420 भी नहीं है, 400 ही है ये। अगर इस बार के नंबर भी मैं देखूं द पीपल हु हैव बीन सक्सेसफुल
उनका भी रेंज बैंड यही है, हर बार यही बैंड जा रहा है कि कोई एक पेपर होता है अच्छा चला जाता है कि जैसे एथिक्स अच्छा चला गया 110 आ रहे हैं, 115 आ रहे हैं, एक पेपर एवरेज चला गया तो उसके 90-95 आ रहे हैं, एक पेपर बर्बाद चला गया 80 आ रहे हैं उसमें, वो बराबर हो गए फिर वही 380-390 आ गया। नॉर्मली पीपल आर गेटिंग 380-390 मार्क्स इन जनरल स्टडीज, ठीक है। नाउ व्हाट इज द बैंड इन ऑप्शनल, 500 में से कितने नंबर, ये बहुत आपको मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 500 में से क्या बैंड है। नो, इसका बैंड है 250-320, मतलब एक अच्छे नंबर, एवरेज नंबर जो बिल्कुल, मतलब अगर आपके ऑप्शनल में आई 200 गए 220 दे फिर तो आपको कॉल भी नहीं आनी, जिसको इंटरव्यू कॉल आई है तो उसके 240-250 तो ऑप्शनल में रहेंगे ही ना एक नॉर्मल केस में, तो 240-250 से लेके 310-320 तक की बैंड है। एंड इन दिस एंड एवरी ईयर इट हैपन्स, एवरी ईयर इट इज हैपनिंग कि ऑप्शनल इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जीएस में तो सबके उतने ही आ रहे हैं, वही बैंड है 380-390 95-80-85-95-400। आई डोंट नो इट दे हैव यूपीएससी हैज मेड दिस जनरल स्टडीज एज वेरी लो स्कोरिंग, है ना, बहुत लो स्कोरिंग बनाया है उसने, मतलब 80-85-90 तक बैंड जा रहे हैं, मतलब खुद को सोच के हैरानी होती है कि 250 में से मेरे 100 नंबर आ रहे हैं यार, तो मतलब कितना हुआ 40%। और दुनिया हो गई पढ़ते, टाइम हो गया पढ़ते, फिर भी नंबर फिर भी इतने आ रहे हैं, नंबर क्यों कम आ रहे हैं हमें मालूम है ना, लेकिन हम इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग एक अप्रोच चाहिए। अगर आपने नंबर लेने हैं 125-150 कोई बड़ी बात नहीं है, आ भी सकते हैं, लेकिन आपके अंदर दिमाग में क्लैरिटी चाहिए कि मुझे करना क्या है ना, कैसे आंसर की प्रैक्टिस करनी है। हम लिखते रहते हैं आंसर, लिखते रहते हैं आंसर, लेकिन अल्टीमेटली वो आंसर का लेवल वही रहता है, अपने आप को क्वेश्चन नहीं करते कई बार हम, वो आगे देखेंगे, आगे लेक्चर भी होने वाले हैं आपके, तो ये बैंड है। तो मैं आपको इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि योर लिख लो आप चाहे इसको प्री रिजल्ट आपका एम्फोसिस है दैट शुड बी मोर टुवर्ड्स ऑप्शनल देन जनरल स्टडीज। और जो पोस्ट रिजल्ट एम्फोसिस है आपका दैट शुड बी मोर टुवर्ड्स जीएस देन ऑप्शनल। ये एक बहुत ही गोल्डन सेंटेंस है जो आप लिख रहे हो, ये एक गोल्डन सेंटेंस है जो आप लिख रहे हो। व्हाई? बिकॉज प्री के बाद देखिए वैसे ही इतना जीएस का पैनिक हो जाता है कि इनवेरिएबली ऑप्शनल पे एम्फोसिस कम ही हो जाता है। अगर अभी आपने ऑप्शनल पे ध्यान नहीं दिया तो योर ऑप्शनल इज बाउंड टू सफर, ये मेरे से आप कोरे कागज पे लिखवा लो कि आपका ऑप्शनल वीक ही रह जाएगा अगर आपने अभी एक ये 20-25 दिन जब तक रिजल्ट नहीं आता आपने अगर नहीं लगाए प्रॉपरली। कि अगर आप सपोज 12 घंटे पढ़ रहे हो, 12 या 14 घंटे तो पढ़ोगे, इससे कम तो सवाल नहीं है, अगर इससे कम आप पढ़ रहे हो तो क्राइम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप 12 से 14 घंटे पढ़ रहे हो तो 6-7-7 घंटे 8 घंटे आपको ऑप्शनल पे लगाने हैं, और अभी आपकी स्टेज ऐसी होगी कि अगर आप 7-8 घंटे ऑप्शनल पे लगा दो तो 20 दिन में ऑप्शनल चिपका दोगे आप, और डेली आप आंसर की दो आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे वो ऑप्शनल है ऑप्शनल की, ठीक है ना। आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ लेक्चर ऑन वैल्यू एडिशन इन ऑप्शनल, मैं एक सीरीज देता भी आया हूँ सोशियोलॉजी के लिए, तो अभी मैं आपको एक जनरल लेक्चर दूंगा इन नेक्स्ट वीक जिसमें हम अपार्ट फ्रॉम एनी ऑप्शनल, चाहे आपका ज्योग्राफी है, चाहे पब्लिक एड है, चाहे पोल साइंस है, चाहे हिस्ट्री है, हाउ टू इम्प्रूव दैट ऑप्शनल, हाउ टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग, क्या टेक्निक है आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट की, तो आपको थोड़ा बहुत भी फायदा हो जाए, आपके 5 नंबर बढ़ जाए, 10 नंबर बढ़ जाए, आई विल बी हैप्पी, तो वो मैं लेक्चर एक ऑप्शनल पे करूंगा, ठीक है। तो आप ये देखो कि इसलिए बैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो बैंड हमें 300 के बैंड तक पहुंचना ऑप्शनल में, अगर आप चाहते हो कि आपका रैंक टॉप 100 में आए, 300 नंबर तो आपको चाहिए अगर आप टॉप 100 में आने जाते हो। इनवेरिएबली जो बच्चे सिलेक्शन हुई है जिनकी, जो टॉप 100 में भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, सबके ऑप्शनल में नंबर 300 टच कर रहे हैं, और जो 200 की रेंज में बैठे हैं, 300 की रेंज में बैठे हैं, उनके ऑप्शनल में 250 है, लोअर बैंड पे है। और जीएस में सरप्राइजिंगली मैंने सबके मार्क्स एनालाइज किए, जीएस में सरप्राइजिंगली चाहे वो आपका टॉप 100 में आ रहा है, चाहे टॉप 200 में आ रहा है, नंबर सेम, बैंड वही है 380-395। वेरी कहां कर गए, या तो इंटरव्यू में कर गए या ऑप्शनल में कर गए। एक और फैक्टर है थर्ड इज, जो आपको प्री रिजल्ट पीरियड में करना है वो है ऐसे,
कम से कम 10 ऐसे आपको रिजल्ट से पहले लिख के देखने, कम से कम 10 ऐसे, टू बी चेक्ड बाय अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स यूपीएससी मार्किंग सिस्टम, नॉट बाय अ पर्सन हु इज इंग्लिश प्रोफेसर या हु इज अ थ्योरेटिशियन, जिसको पता नहीं है कि यूपीएससी किस तरह के एसेज अप्रिशिएट करती है। ठीक है, तो वो ऐसे 10 ऐसे आपको रिजल्ट से पहले लिखने हैं, 10 नहीं तो चलो 7 लिख लो, 6 लिख लो, लेकिन ऐसे आपको जो भी स्ट्रेटजी आपकी ऐसे बनाने की हो, लिखने की होगी, दैट विल बी बिफोर द प्री रिजल्ट। ठीक होगी बात। अब लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज करंट अफेयर्स विज अविज स्टैटिक जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स विज अविज स्टैटिक जनरल स्टडीज। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर अभी नहीं दूंगा, मैं इसका आंसर एक और लेक्चर में दूंगा जहां पे मैं प्रीवियस ईयर 4 साल के क्वेश्चन आपको एनालाइज करूंगा, और आप या खुद देखोगे, आप खुद देखो 2020 का पेपर उठा के देखो, 19 का उठा के देखो कि टिपिकली कितने क्वेश्चन करंट के आए हुए हैं। मैंने बहुत क्लियरली इन द टेक्निक्स ऑफ गेटिंग मार्क्स, मैंने आप लोगों के साथ, कई लोगों ने लगाए हैं उसमें लेक्चर मेरे, तो उसमें मैंने क्लियरली बोला कि करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो तो उसका ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, वेदर आई एम एक्सपेक्टिंग कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा करंट में, क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया करंट का। ठीक है, एक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया कि COVID-19 ने इनइक्वालिटीज को कैसे इफेक्ट किया है, अभी मान लो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, मान लिया है ना, डजंट मैटर। लेकिन आप ये देखो कि ये करंट का क्वेश्चन फिर भी हुआ है ना, लेकिन अगर कोई डिजास्टर या कोई मतलब ऐसा वैक्सीनेशन पे क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन आ गया, तो वो करंट का तो नहीं हुआ ना। मैं आईडी मेरा मेरे का मतलब है कि यू शुड बी कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग कि हाँ यार ये क्वेश्चन करंट का है या ये क्वेश्चन करंट से डिराइव्ड है या ये मुझे करंट अफेयर करना है जो मुझे आंसर्स में वैल्यूडेशन देगा। तीन एंगल होते हैं, वन थिंग इज कि करंट का क्वेश्चन है, सेकेंड इज दिस क्वेश्चन इज डिराइव्ड फ्रॉम करंट, डिराइव्ड ऑफ करंट का मतलब यह है कि मैं ये कभी ना पढ़ता अगर करंट में ये न्यूज ना आती तो। अब तालिबान पे क्वेश्चन आ गया, अफगानिस्तान पे क्वेश्चन आ गया, तो करंट का हो गया अगर ये आ जाए कि डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ तालिबान प्रॉब्लम या हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान प्रॉब्लम, सपोज आएगा नहीं, आ गया अगर, तो ये करंट का है, ये तो स्टैटिक है भाई, ये तो करना ही है मुझे, इसराइल पैलेस्टीन मुझे करके जाना है, मुझे अफगानिस्तान करके जाना है, चाहे अखबार न्यूज में आए चाहे ना आए, तो करना ही है। हाँ, लेकिन अगर करंट का ये आ जाए कि डिस्कस द रीसेंट इम्प्लीकेशंस ऑफ रीसेंट टेक ओवर ऑफ तालिबान बाय अफगानिस्तान ऑन द जियो स्ट्रेटजिक व्हाट यू से स्टेबिलिटी इन दिस रीजन, तब ये क्वेश्चन बन गया करंट का। चलो हम ये बात करेंगे, तो बात यह कि आपको करंट पे उतना ही एम्फोसिस देना जितना मेंस में जितने क्वेश्चन आते हैं, और उसके लिए आप खुद बिना किसी बायस के, बिना किसी वेबसाइट की मदद के जो आपको मिसगाइड कर रही है कोई, आप खुद देखो अपना पेपर चारों साथ में रख के कि यार इसमें से करंट के हैं कितने, कि अगर 77 क्वेश्चन आ रहे हैं, 78 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से करंट के कितने हैं, एंड आई कैन अश्योर यू कि वो करंट के 5 से 7 से ज्यादा नहीं निकलने, फिर भी आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मुझे करंट कितना करना है। तो मैं करंट पे लगा रहूं, मैं स्टैटिक कंटेंट पे लगा रहूं, और मेंस आंसर राइटिंग में करूं ना, तो मेरा व्हाट इज द लोकस स्टडी ऑफ माय स्ट्रेटजी ऑफ मेंस, देन फिर तो कोई बात ही नहीं बनी ना मेरे मेंस की स्ट्रेटजी की। तो आई विल रिपीट वंस अगेन, तो आपकी जो मेंस की स्ट्रेटजी है उसके अंदर जो आपको डिसाइड करना है आज और कल में ही, वो एक चीज ये डिसाइड करनी है कि मुझे कितना टाइम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को देना है डेली का। मुझे 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए, और प्लीज क्वेश्चन ये नहीं करने कि टेक्स्ट बुक खोल के बैठे हो, साथ में नोट्स खोल के बैठे हो, आंसर लिख रहे हो। अब वो स्टेज गई, दैट इज़ क्वाइट गुड बिफोर, मतलब 6 मंथ्स बिफोर प्री, कि जिन्होंने आज 22 में देना है वो आज ये काम कर सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते जो प्री दे चुके हो। आपको स्पॉन्टेनियस लिखना है, 15 मिनट का पेन चलाना है अपना, पढ़ाया नहीं पढ़ा अलग बात, जो आप पढ़ रहे हो उसी का क्वेश्चन लो लिख दो बस, विदाउट सीइंग द टेक्स्ट। स्पॉन्टेनिटी इन राइटिंग चाहिए आपको, नंबर इतने आएंगे मेंस में आप इकट्ठे नहीं कर पाओगे अगर आपने अपने आपको स्पॉन्टेनिटी इन राइटिंग कर ली।
है ना, देखा आपने फायदा स्पॉन्टेनिटी का, आपने करा ना एक्सपेरिमेंट, आपने अभी चंद्रशेखर ने अभी सोशोलॉजी का करा एक्सपेरिमेंट, एक क्वेश्चन लिख के लाए, नंबर मैंने दिए 2 या 1, 3 नंबर दिए, तो ये हिल गया कि आंसर तो सारा लिखा है, नंबर नहीं है। मैं कहा इसको मैंने बताया कि द्वारा लिख, स्पॉन्टेनिटी इसने आधे घंटे में लिख के ले आया आंसर, ठीक, जिसमें 3 मिल रहे हैं उसमें 7-6 मिल गए। फायदा स्पॉन्टेनियस राइटिंग का ही है, क्योंकि आपको दिमाग वहां तो स्पॉन्टेनियसली लिखना है ना, और यूपीएससी इतनी बड़ी बीमारी है, मेरे को कोई वो नहीं, शर्म नहीं है कहने में, बूढ़े हो गए कि लग जाती है और पता नहीं कैसे कैसे कहां कहां से क्वेश्चन निकाल के लाती है, कोई यूपीएससी भी कोरोना से कम नहीं है, एंड वी आर द विक्टिम्स कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाल के लाएंगे पता ही नहीं लगे निकाल के कहां से लाए यार, कौन बना रहा है इन क्वेश्चनों को, है ना, कौन बना रहा है इस क्वेश्चनों को, लेकिन आपको लिखना आंसर। और सबसे अच्छी बात है कि सब बराबर है यूपीएससी की नजर में, और अच्छी बात भी है, ऐसे क्वेश्चन अगर कोई स्टूडेंट मेरा ट्रेंड है तो वो अच्छा मानेगा उसको कि हाँ यार अच्छा है, आसान क्वेश्चन आगे सारे लिख देंगे, आपको किसी को क्वेश्चन नहीं आता तो मैं लिख के आऊंगा, बाकी तो छोड़ के आएंगे। वो टेक्निक हमें मास्टर करनी है, और स्पॉन्टेनियस राइटिंग से वो आपका दिमाग उस चीज में ट्यून्ड होता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली है, और ये देखो मैंने यहाँ पे आपका बेसिक एक आई थिंक सबने देख रखा है, ये पीडीएफ में लगा भी दूंगा लेक्चर के साथ, ये बाइफरकेशन ऑफ क्वेश्चंस हैं ऑफ लास्ट 4-5 इयर्स की, किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चन आए हैं। अब आप देखिए इकोनॉमी में से 11 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 8, सो 9 से 10 क्वेश्चनों का बैंड चल रहा है इकोनॉमी का, है ना। सिक्योरिटी इश्यूज में 4-4 क्वेश्चन, हर बार 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो इंडियन पॉलिटी के 10-10 क्वेश्चन, साफ ट्रेंड दिख रहा है साफ। गवर्नेंस इशू मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, 6-7 क्वेश्चन। सोशल इशूज के 5-6, 6-7 क्वेश्चन। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी 3 क्वेश्चन, यहाँ 6 आए, 5 आए, 4 आए, 3 आए, मतलब 4-5 क्वेश्चन लगा के चलो एनवायरमेंट के, 4 क्वेश्चन लगा लो क्योंकि अगर कंफ्यूज। इंडिया एंड द वर्ल्ड 3 क्वेश्चन, सीधे 3 आ रहे हैं। ज्योग्राफी के 8-10। कल्चर ऑफ इंडिया लास्ट ईयर 4 आए, पिछले साल 1 आया, फिर 3 आए, फिर 1 आया, पैटर्न देखो, अगले साल 1 आएगा मतलब ये रिस्क लेना पड़ता है भाई, ये रिस्क लेना पड़ता है। अब एक बच्चा क्या करेगा, अपनी उसने कल्चर पहले नहीं पढ़ी, वीक है वो, कल्चर की पोथियां लेके बैठ जाएगा कि पढ़ लूं बस मैं, वो ये नहीं देखा कि हर साल कल्चर के क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, वो अटेम्प्टेबल भी हैं क्या। अगर वो एक बार देख ले खोल के कि यार ये क्वेश्चन पूछे हैं तो मैंने वैसे भी नहीं पढ़ने, तो छोड़ दूं मैं कि यार मैं नहीं करता। मेंस में तो हालत ये पड़ी हुई है कि कल्चर पढ़ने का फायदा कोई नहीं है, अपने फंडे स्ट्रांग करो बस, अपने इंट्यूशन स्ट्रांग करो, स्पॉन्टेनियस राइटिंग स्ट्रांग करो, उतनी तो आपने प्रीलिम में पढ़ चुका है। अगर कोई मुझे कहे कि कल्चर तैयार करना है, मैं उसको एक बड़ी ही रेवोल्यूशनरी आइडिया दूंगा और विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तूने जो एंशियंट और मिडिवल के नोट्स बना रखे हैं ना प्री के, वो पढ़ जा 2 बार, आंसर लिख के आएगा कुछ ना कुछ। अगर तू कल्चर पढ़ के जाएगा तेरा एक नहीं आंसर होना, लेकिन कोई बात मानेगा ये, हम वही बुक मोटी वाली लेके बैठे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, रगड़े जा रहे हैं उसको। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बुक इज गुड, लेकिन मेरे काम की है या नहीं है, या मैं वो अपनी पॉलिटी की एपिक बुक लेके बैठा हूं रगड़े जा रहा हूं उसको। तो लेकिन मैं क्या ये देख रहा हूं कि पेपर में क्या आ रहा है। इस वक्त आपके लिए जरूरी क्या है, ये देखना कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन एग्जामिनेशन। सी वी आर मेंटर इन सिविल सर्विसेज, वी आर नॉट टीचर्स। मेरा काम आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा काम आपको बताना है कि भैया ये यूपीएससी ये चीज है, अगर ये नहीं देखोगे तो बेकार है सब पढ़ना आपका, आपकी पॉलिटी पढ़ना बेकार है, ज्योग्राफी पढ़ना बेकार है, हिस्ट्री पढ़ना बेकार है। अब इसमें टीचिंग क्या करेगी बताओ इस वक्त, है ना। अब आप साइंस में देख लो 2 क्वेश्चन आए, वर्ल्ड हिस्ट्री में पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मॉडर्न हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब मॉडर्न हिस्ट्री का देखो बिल्कुल बुरा हाल कर रखा है। एथिक्स इंटीग्रिटी तो है ही है, इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि रीजनल ग्रुपिंग्स पे आ गया, है ना, वो एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। चलो दैट्स वन थिंग। ये पीडीएफ आपकी लग जाएगी साथ में तो लेक्चर के, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। कैसे होगा,
कहाँ पे? अच्छा अच्छा हाँ, नहीं नहीं तो ही नहीं रहा। यार मेरा ना यही कैसे बंद करूं? आ जाओ यार कोई, ये ना लिख के लगा दो, फोटो में लगा दो यहाँ। क्या कर रहे हो? जल्दी करो जल्दी यार, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैंने क्या किया? ना फॉर एग्जांपल देखिए, कल्चर पे चार क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आए हैं। जस्ट सी, द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ अवर नॉलेज ऑफ अर्लियर इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री, डिस्कस। उसने फीचर्स ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर नहीं पूछा, खुश होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा आपने, नहीं पढ़ा, कभी पढ़ोगे भी नहीं। ये नहीं पूछा उसने कि व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, या उसके फीचर्स बताओ क्या क्या है उसके अंदर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ अवर नॉलेज ऑफ अर्लियर इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। क्या लिखोगे उसके अंदर? एक बात है, एक बात है, सिर्फ आपकी इमेजिनेशन से आंसर निकलेगा, ये कोई बुक नहीं बताएगी। नेक्स्ट इज, पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। यहां खत्म नहीं हो जाता मेरे लिए तो, जीवन मृत्यु का ये वर्ड है इनुमरेट। मतलब पाला हिस्ट्री पर पढ़ूं डिटेल में और उसमें बुद्धिज्म का इंपॉर्टेंस इनुमरेट करना, मुझे मुझे बताना एग्जैक्टली फैक्ट्स। इंडियन फिलॉसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट इन इंडिया। 10 में से 9.5 बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आना, ये 10 बार पढ़ के भी, कि पूछ क्या, पूछना क्या चाह रहा है। देन पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज, कमेंट। क्या बात! अब कोई मुझे कहे सर ये चारों क्वेश्चन ना इस किताब में थे, पता तो मुझे भी है, मैं भाषम की बुक पकड़ लूँ एशियंट हिस्ट्री की, सब मिल जाएगा उसमें दो दो लाइनों में लिखा हुआ। लेकिन क्या आप अफोर्ड कर सकते हो वो कुछ पढ़ना? और क्या पता अगले अगले साल एक ही क्वेश्चन पूछें वो। तो अब कोई बच्चा कमेंट इसको कंटेंट लेके बैठ गया, इसको लेके बैठ गया कि भैया ये क्वेश्चन आ रहा है और मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बुक उठानी है। अब जो बच्चे एग्रीकल्चर की बुक लेके बैठ गए है ना, कि भैया अब एग्रीकल्चर के 10 क्वेश्चन तो हर बार ही आने हैं, अब लुट गए वो, एक्सेप्ट करते हो कि भैया क्या हुआ एग्रीकल्चर की बुक पढ़ के? यूपीएससी नहीं चलती है ऐसे, हमें वो करना है जो हमें करने की हमारी जिम्मेवारी है, एंड दैट इज द स्ट्रेटजी वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, तो ऐसे मैंने और क्वेश्चन भी उठाए हैं जस्ट टू गिव यू अ व्यू। अब मॉडर्न हिस्ट्री पे दोनों क्वेश्चन ही आए, ये फिर भी अटेम्प्टेबल है। इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट है। अब अगेन 10 में से 8 बच्चे गलत करके आएंगे ये, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना उन्होंने, उन्होंने पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन लिख के आ जाना बस, जबकि पॉलिसीज पे क्वेश्चन है ही नहीं है। इट इज द क्वेश्चन ऑन इवेल्युएट द पॉलिसीज और किस एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। मुझे इवेल्युएट करना है, जब मैं किसी चीज की इवेल्युएशन करता हूं तो टू एक्सटेंट बताता हूं, क्वांटिफाई करता हूं कि कितना इंपैक्ट पड़ा। इवेल्युएट कर, नंबर देने हैं मुझे, माइंड में सोचो नंबर देने, एग्जामिन नहीं करने के लिए कहा, इवेल्युएशन करने के लिए कहा है। कितना? बहुत ज्यादा, कम, थोड़ा, मीडियम, ये क्या है? इवेल्युएशन। अब पॉलिसीज को मुझे इवेल्युएट करना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर द फ्रीडम। क्या एनालिसिस होना चाहिए बच्चे का पूरा। देन सिंस द डेकेड ऑफ 1920s द नेशनल मूवमेंट अक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ एंड देयर बाय एक्सपेंडेड इट्स सोशल बेस, डिस्कस। अब ये कहीं लिखा हुआ थोड़ी मिलेगा आपको, ये आपकी समझ है नेशनल मूवमेंट की। दो ही क्वेश्चन पूछे ये, हर बार ऐसे उल्टे पुलटे से क्वेश्चन पूछते हैं। अब कोई वो जमाने चले गए, आपसे कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट पूछे हैं आपसे। अगेन बात वही है कि कंटेंट की जो परसेप्शन है कि मुझे किस चीज के लिए क्या पढ़ना है,
वो माइंड में क्लियर होने चाहिए आपके कि ठीक है यार, अगर कल्चर मुझे पढ़ना है, एंशियंट मेडिवल के नोट्स पढ़ जाऊंगा एक बार प्री के। रिस्क ही सही, रिस्क ही सही। मॉडर्न इंडिया करना है, मैंने दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है, तीन मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, तीन में से एक तो आता ही होगा। मॉडर्न इंडिया के चुप करके अपने प्रीलिम के नोट सारे पढ़ गए, बाकी अपने जो समझ है आपकी फ्रीडम स्ट्रगल की उससे करना है। कि टाइम लगाना नहीं, मैंने टाइम कहाँ लगाना है वो डिपेंड करेगा कि किस में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी हैज़ टू बी फॉलोड। अब आप देखो पेपर वन का ही ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन है, अब कितनी कन्वेंशनल ज्योग्राफी है इसमें, डिस्कस द जियो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन। कभी करोगे यार ये? जितनी मर्जी बार पढ़ लो आप सर्कम पैसिफिक जोन का उतना ही पढ़ोगे प्लेटोनिक्स के अंदर जितना लिखा हुआ है। आप सर्कम जो पैसिफिक जोन है उसकी पीएचडी थोड़ी करने लग जाओगे, तो आपको वहीं बना के लिखना ना, अपने दिमाग से निकालने वहां जियो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। कैपेबिलिटी क्या चाहिए ना, ये नहीं चाहिए कि आपने कॉन्टेंट वो तैयार किया हुआ है, कैपेबिलिटी ये चाहिए कुछ भी आ जाए लिखाएंगे, लिखाएंगे भाई कुछ चक्कर नहीं है। द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेट बाउंड्रीज। कौन करेगा इसको? इसने ये नहीं पूछा ट्रेंड्स इन डेजर्टिफिकेशन, इसने ये नहीं पूछा कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन क्या है, ये नहीं पूछा कि क्या डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, या कैसे किया जा सकता है। ये मैं जितना मर्जी आप डेजर्टिफिकेशन पढ़ लो, ये नहीं क्वेश्चन करोगे आप, ये आपको वहीं बैठ के बनाना है और बन सकता है अगर आप उस चीज के लिए ट्रेंड हो, उस चीज के लिए ट्रेंड हो, या अपने आप को आप उस चीज के लिए ट्रेंड करो कि मेरे को ये चैलेंज है जो मेरे को एग्जाम में जाना है, तो ये चैलेंज है मेरे सामने एंड आई हैव टू फेस दिस चैलेंज। देखिए रिपोर्ट्स पढ़िए, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, आप कोई भी रिपोर्ट्स आती रहती है, आपको आना क्या चाहिए उस रिपोर्ट को यूज़ करना है ना। आप 10 रिपोर्ट अपनी या 15 रिपोर्ट अपनी पेट बना लो कि यार 15 रिपोर्ट्स मैंने तैयार कर ली, वो ये थर्ड जो करंट अफेयर्स की थर्ड कैटेगरी में काम आता है कि आपको रिपोर्ट पे डायरेक्टली क्वेश्चन ना आए, लेकिन जो रिपोर्ट की फाइंडिंग है दो दो तीन तीन लाइनें हर रिपोर्ट की आपने लिख ली, दैट यू कैन यूज़ एट नंबर ऑफ प्लेसेस, चाहे पेपर वन है, चाहे पेपर टू है, थ्री है, फोर है, या ऑप्शनल है, कहीं भी वो रिपोर्ट एज ए एग्जाम्पल एज ए सब्सटेंसिएशन आप यूज करते हो विदाउट इवन थिंकिंग कि यार ये इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो वही बात है कि करंट अफेयर आप किस एटीट्यूड से पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले प्राइमरी चीज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। ये भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, सब में देखिए अप्लाइड इशू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आ रहे। मतलब जहां पे डायरेक्ट चीज है जो आप पढ़ते हो वो तो हटा ही देती है यूपीएससी कि यार ये तो पूछना नहीं, आगे पूछते हैं। चलो हम मैकेनिज्म ऑफ मानसून करते हैं, वो कहते हैं ठीक है ये तो आता ना, मैकेनिज्म ऑफ मानसून पढ़ते हैं, ओके मानसून हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी पढ़ते हैं, ठीक है okay, इसको छोड़ दो अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं, क्या बनाना है, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। कैसे कर्जन की पॉलिसीज क्या है वो तो आती है बच्चे को, ठीक ये नहीं पूछते, आगे पूछते क्या पूछे क्या, अच्छा पॉलिसीज को इवेल्यूएट कराओ, अच्छा उनकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन पूछो, बच्चा घूमता रहेगा लॉन्ग टर्म क्या है ये। मैं आंसर जब लिख के आऊंगा ना ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी, मैं 2021 लिख के आऊंगा कि उसकी जो कर्जन की पॉलिसीज थी आज तक चल रही है उसका इम्प्लीकेशन। मेरी कहानी 1947 तक खत्म नहीं होनी या 1908 तक खत्म नहीं होनी, नंबर तब आएंगे यूपीएससी में कि अगर 2021 ले आओ उस कर्जन वाले क्वेश्चन में, देखो कैसे बरसते नंबर, फिर कहते हो नंबर नहीं आते, नंबर कैसे नहीं आएंगे, लास्ट तो 21 अब आप भी ले आओगे, घंटे बज गए ना दिमाग में कि यार हाँ बांग्लादेश ये वो, अरे आज तक भुगत रहे हम, क्या कहते हो फिर, क्या उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फलाने से नहीं जोड़ सकते? ये चाहिए यूपीएससी को आपसे, क्योंकि उसने पूछा ये लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, उसने कहा स्पेसिफाई किया कि यार फ्रीडम स्ट्रगल का ही क्वेश्चन है ये, और जो फर्स्ट पेपर है आपका उसके अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी तो है, सिर्फ प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री थोड़ी है, ठीक है जी। चलिए तो ये बेसिकली आपकी छोटी छोटी चीजें हैं जो ये आपको स्ट्रेटजी में ध्यान रखनी है मेंस की, तो बाकी हम करते रहेंगे। एक अनाउंसमेंट है जो आप नोट डाउन कर लो, ऑन सैटरडे एंड संडे
मिस्टर जयंत पुरी हु हैज क्लियर दिस एग्जाम दिस ईयर इन हिज सिक्स्थ अटेम्प्ट एंड ही रिटर्न मेंस फॉर सिक्स टाइम्स, छह बार उन्होंने मेंस लिखा है. सो ही हैज एक्सप्रेस हिज डिजायर कि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे थ्रू अ मैराथन. सो ऑन संडे देयर विल बी अ 3 आवर लॉन्ग मैराथन ऑफ एसे राइटिंग फ्रॉम 4 to 7. उन दोनों मैराथन्स का लिंक यूट्यूब के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को. और सेकंड संडे को मैराथन आपका मेंस आंसर राइटिंग का होगा, जिसमें 2 to 7 ही विल टेक अ 5 आवर लॉन्ग मैराथन. आप कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं एंड ही विल गिव यू सम सर्टेन मॉडल मेंस आंसर्स ऑल्सो, मॉडल एसेज ऑल्सो, जो उन्होंने खुद लिखे. मतलब आई थिंक ही इज द बेस्ट पर्सन टू टीच यू कि कैसे अभी आपको अप्रोच रखनी चाहिए बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ 5 mains. आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू अटेंड दैट मैराथन. और मैराथन में रखा है कि आपका टाइम भी ज़्यादा ना डेली एक एक घंटा लगे, एक ही दिन लग के करो ताकि आप आगे स्ट्रेटजी अपनी बना सको प्रॉपरली. तो जिन्होंने भी प्री का प्री दिया इस बार, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि वो मैराथन आपने करना है. बाकी वो दोनों लिंक हम शेयर भी कर देंगे ग्रुप्स में, डिफरेंट जो हमारे ग्रुप्स हैं, आपको थ्रू SMS भी आ जाएंगे मैसेज, डोंट वरी, पहुंच जाएगा आपके पास. तो वो दो मैराथन हम आपको दे रहे हैं टू बिगन विद अवर मेन्स प्रोग्राम. हम छोटे छोटे चीज़ें आपको देंगे. आई डोंट इंटेंड टू कंडक्ट अ मेन्स कोर्स फॉर GS, देर इज नो पॉइंट, है ना. तो ऐसी छोटे छोटे हम चीज़ें कैप्सूल आपको देते रहेंगे. यू आर ऑलवेज वेलकम टू राइट मेन्स आंसर्स एंड गेट इट चेक फ्रॉम मी, ठीक है ना. तो इस तरह से चलता रहेगा काम, कभी भी आप मेरे टच में आ सकते हो एंड कैन गेट योर आंसर चेक्ड. प्लस को क्वेश्चन आपको चाहिए, क्वेश्चन मैं आपको बना के दे सकता हूँ, ठीक है ना. और कुछ आगे जैसे आने वाले टाइम में हम और सेशंस ऐसे करेंगे, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के सेशन, कि आपको ज्योग्राफी पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी है, इकोनॉमी पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी है, ऐसे छोटे छोटे सेशंस हम आपके कराएंगे. सो दैट कि आपको एक कैप्स ज़्यादा टाइम ना लगे डेली बेसिस पे आप फ्री हो टू परस्यू योर एजेंडा, ठीक है. हाँ जी, ये दोनों होगा, ये आप आने चाहो यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन बेटर ऑनलाइन लगाओ, बेटर ऑनलाइन लगाओ तो बेटर है. आप ऑफलाइन लगाना चाहते हो, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, मैसेज आ जाएगा. मैराथन है ना, यहाँ क्लासेस भी होती है. एक्चुअली ऑनलाइन का लिमिटेशन ये होता है कि सम क्लासरूम हैज़ टू बी देयर फॉर ऑनलाइन पर्पजेज ओनली. कर लेंगे कुछ ना कुछ, वैसे तो रूम बहुत है हमारे पास, लेकिन करेंगे कुछ ना कुछ. ओके, ठीक है जी. सो सी यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेन्स प्रिपरेशन. और बस कीप प्रिपेयरिंग, डोंट स्टेग्नेट योर सेल्फ, डोंट पुट योर सेल्फ इन टू एनी टाइप ऑफ शेल. ये आपको वक्त यूटिलाइज कर रहा है सो दैट आने वाले टाइम में फायदा होगा आपका, प्री हो या ना हो, लेकिन यू विल बी बेनिफिटेड. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.